जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं वो अक्सर डिसीजन लेते हुए लेट हो जाते हैं। आज मेरे पास एक लो बजट घर आया है, बड़ा ही खूबसूरत, मैं समझता हूँ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इन रावलपिंडी। आपको मैं घर का टूर जरूर कराऊंगा, पहले आप स्ट्रीट व्यू भी देख लें। नेक्स्ट टू द कॉर्नर घर है जी, और यहाँ पर गैस की सिचुएशन क्या है, गैस इस इलाके में मौजूद है, ये देख लें, बिल्कुल साथ वाले घरों में गैस लगी हुई है। आपने मीटर के लिए अप्लाई करना है तो आपका भी लग जाएगा, क्योंकि न्यू घर है, आपको पता है डिमांड नोटिस पहले जमा होता है, उसके बाद ही आगे फर्दर प्रोसेस होता है। खैर अब बात करते हैं जी घर के हवाले से, तो घर का आपको टूर करवाऊंगा, आपको लगेगा शायद 5 मरला के ऊपर बना हुआ है, फ्रंट इसका ज़्यादा मतलब दिखने में ज़्यादा मुझे नज़र आया, बट ये घर जो है 3 मरला के ऊपर है, छोटी गाड़ी तो इजीली आ जाएगी, मेरान होगी, आल्टो वगैरह, और टाइल वर्क देखिए हर हिसाब से मुझे ये कंप्लीट एक पैकेज नज़र आया है, और डिज़ाइन अच्छा बना हुआ है। ठीक है जी फ्रेंड्स, बिल्कुल जैसे ही आप कारपोर्च एरिया के अंदर एंटर होते हैं तो राइट साइड के ऊपर आपको ड्राइंग रूम मिल जाएगा, यहाँ पर लॉन्ड्री के लिए भी एक रूम रखा गया है और किचन भी है ओपन। ठीक हो गया फ्रेंड्स, 3 मरला घर की जो वीडियोज़ है ना वो बहुत आपको, बल्कि 3 मरला घर ही बहुत रेयर मिलते हैं, ठीक है, अच्छी कंस्ट्रक्शन के साथ। बाहर वाली साइड के ऊपर वॉशरूम है, ठीक है, अंदर भी टूर करवाएंगे, पहले आपको मैं वॉशरूम का व्यू करवा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ड्राइंग रूम के साथ एक वॉशरूम रखा गया है। ठीक है जी, ये वॉशरूम है, इसकी जो सीट है ना इंग्लिश सीट यहाँ पर लगने वाली है, मतलब आप ये समझ लें कि 99.99% घर रेडी है। ये जो वो कहते हैं कि स्मॉल स्मॉल जो थिंग्स हैं, ये जो रह गई हैं, ये आपको कम्प्लीटली रेडी करके दिया जाएगा, आपको की हैंड ओवर की जाएगी। तो हम कारपोर्च एरिया और ड्राइंग रूम का व्यू कर चुके थे, अभी हम अंदर की तरफ आ चुके हैं जहाँ पर आपको एक और रूम मिलेगा और उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड के ऊपर किचन मिल जाएगा। ठीक है जी, ये किचन एरिया है और अच्छे काम के साथ आपको मिलेगा। ये बाहर का व्यू एक दफ़ा दोबारा से देख लें। ठीक है जी, गेट शेड लगा हुआ है प्रॉपरली, और इसके साथ आपको 2 रूम्स मज़ीद मिलेंगे। ठीक है जी, ये दूसरा रूम हो गया, और इसके साथ जो अटैच वाशरूम रखा गया है वो बेसिकली 2 कमरों को कनेक्ट करता है, और साथ में लॉन्ड्री रूम भी है। ठीक है जी, ये एक रूम था, इसकी अलमीरा भी देखने, अलमारी भी रखी गई है। 3 मरला के घर में जो है ना आपको ये सारी फैसिलिटीज़ के साथ मिलेगा, अलमारी होगी इसमें, देखें यहाँ पर वॉशिंग मशीन और स्पिनर भी इजीली आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये वॉशरूम है और ये दोनों रूम्स को कनेक्ट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ वॉशरूम्स 2 हैं, लॉन्ड्री है। ठीक है जी, 3 रूम्स हैं, कारपोर्च है, किचन है, ये मैंने आपको समराइज करके बता दिया। लकड़ी का काम भी अच्छा हुआ है, अलमारी भी रखी गई है। ठीक है जी, तो ये है जी रूम नंबर 2। नीचे आप टाइल वर्क वगैरह भी चेक कर सकते हैं, सीलिंग वर्क भी आपके सामने है। बाकी इसमें भी देख लें जी, एक अलमीरा पड़ी है, तो 2 अलमारियां भी हैं। ठीक हो गया फ्रेंड्स, बाकी ये जो छोटा मोटा काम है ना, किसी का अगर जैसे कि एक इंग्लिश सीट लगने वाली है, या किसी का कोई बोर्ड शोर्ड, कोई तार शार अगर कोई फिक्स होने वाली है, मेरा तो नहीं ख्याल कोई इसमें फिक्सिंग शिक्सिंग का काम है, लेकिन अगर कोई होगा तो वो आपको कंप्लीट करके दिया जाएगा। ठीक है जी, लोकेशन आपको गाइड करूँ तो समरजार अडियाला रोड रावलपिंडी के अंदर ये वाक़ है। समरजार गुलशनाबाद से बिल्कुल आप समझ लें 2 किलोमीटर आप आगे जाएं तो आप आ जाता है। गुलशनाबाद का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेन एरिया है। ठीक है, डिमांड थंबनेल पर भी मेंशन है 55 लाख, बिल्कुल इसमें अगर नेगोशिएशन होगी भी तो बहुत स्लाइटली सी होगी। ठीक है, ये वेंटिलेशन एरिया है। ठीक है, ऊपर भी आप एक स्टोरी बना सकते हैं, बट जो आपके सामने है वही इसी हालत में आपको मिलेगा। ऊपर स्टोरी आप चाहें तो अपने खर्चे के ऊपर बनाएंगे। व्हाट्सएप नंबर नीचे चल रहा है, मज़ीद इन्फॉर्मेशन या नेगोशिएशन के हवाले से आप डिस्कस कर सकते हैं। सराउंडिंग में भी आप व्यू चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको प्लॉट मकान वो बहुत रेयर हो जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है अभी यहाँ पर मकानात की भी किल्लत होती जा रही है। अच्छा पैकेज है, मैं समझता हूँ एक छोटी फैमिली स्पेशली उनके लिए। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर और लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे लोग जो है YouTube के ऊपर काम करते हैं, मुख्तलिफ कंटेंट बनाते हैं। एक उनमें से एक न्यू यूट्यूबर हैं जिनके चैनल का नाम है नोबल हब 786। ठीक है, इंटरटेनमेंट के हवाले से ये लेडीज़ हैं, बहुत अच्छा कंटेंट बनाती हैं। आप इनके चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को।
इनके चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया है। इसके अलावा जो न्यू यूट्यूबर्स हैं वो भी अपनी चैनल की फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोशन करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो खैर फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर आपसे मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान और अल्लाह हाफिज़।